तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नई वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 की एपिसोड 10 के बारे में, जो कि मिर्जापुर की लास्ट एपिसोड भी है। और अगर आपने अभी तक मिर्जापुर की बाकी एपिसोड्स नहीं देखी है तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए और जाकर देखिए। तो बिना बकचोदी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइस, सीन की शुरुआत होती है गुड्डू भैया के फैक्ट्री से, जहां पर गुड्डू भैया के फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो कि बेसिकली एक दिहाड़ी मजदूर थे, वो गुड्डू भैया के मैनेजर से पैसे मांग रहे थे कि तभी हमें देखने को मिलता है कि गोलू दीदी वहाँ पर आ जाती है और तभी सारे वर्कर्स वहाँ से चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद गोलू दीदी को ये पता चलता है कि गुड्डू भैया जेल चले जा चुके हैं और उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसके बाद गोलू एक आदमी को फोन करती है और उससे कहती है कि जेपी यादव से मीटिंग फिक्स करवाइए। फिर अगले सीन की शुरुआत होती है वाराणसी से, जहाँ पर वही चाचा का चमचा और जरीना दोनों चाचा जी से मिलने आए थे और आगे का सीन तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, तो इसके बाद जरीना और चाचा जेपी पांडे के बीच में चिनालेबाजी होती है कि तभी चाचा जी कहते हैं, आपको देखकर हमारा पुराना जेपी यादव वापस आने को कुलबुला रहा है कि फिर वहीं पर जरीना ये कहती है कि मुद्दे पर आइए ना। और तभी जेपी यादव कहते हैं कि चलिए ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कितने में बिकोगी, अरे ये वो वाला बिकना नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो फिर यहीं पर चाचा जी कहते हैं कि हमें माधुरी और उसकी सरकार खत्म चाहिए। तभी वहाँ पर जरीना मान जाती है और कहने लगती है कि यदि हमने सीएम माधुरी की सरकार गिरा दी तो यहाँ पर सीएम हम बनेंगे। उसी पर जेपी पांडे कह देते हैं कि गांव बसा नहीं और गांव की सबसे ऊंची इमारत पे बैठने का सपना मत देखो। फिर वो बोलते हैं कि ज्यादा सोचिए मत आरिए, अब यहाँ पर क्या उतारने की बात हो रही है तुम तो समझ ही गए होगे। तो फिर चाचा जी पूछते हैं कि कैश की बात हुई थी, वो तो पूरे ही थे। तो उसी पर जरीना कह देती है कि जब पैसे पूरे हैं तो मजा भी पूरा ही मिलेगा। तो यहीं पर हमें एक मस्त सीन देखने को मिलता है, माफ करना यार कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। और फिर यहीं पे हमें देखने को ये भी मिलता है कि जरीना मस्त अपनी साड़ी उठाकर चाचा जी के ऊपर बैठ जाती है और न जाने कैसी कैसी गंदी आवाजें निकालने लगती है। कार तो बीच में कबाब में हड्डी आ जाता है। हाँ सही समझे, वही बहन का लोड़ा जो चाचा जी की मालिश किया करता था। फिर यहीं पर हम जरीना को देखते हैं एक बस में काफी सारे MLAs को कहीं ले जा रही होती है कि तभी वहाँ पर किसी मंत्री का फोन आता है उसे और वो पूछते हैं कि इतना लेट काहे हो रहा है। और जरीना भी उसे झांसा देते हुए कह देती है कि बस 4-5 किलोमीटर का सफर बचा हुआ है मंत्री जी, बस आ ही रहे हैं। फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जरीना वही सारे MLAs को शरद शुक्ला के पास ले जाती है और जैसे ही उस मंत्री का फोन आता है उसे ये पता चल जाता है कि उसे धोखा मिल चुका है। और वहीं पर शरद शुक्ला उनसे बात करके कह देते हैं कि आप माधुरी के पोजीशन में हैं यानी कि हमारे भी, तो इसलिए कह दीजिएगा अपने जेपी यादव से कि हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो अब से यहाँ पर हम टेक ओवर करेंगे। और वहीं पर शरद भैया ये भी कह देते हैं कि आपकी कीमत तो जेपी यादव ने लगा दी, अब आपके जान की कीमत हम लगा देते हैं। वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि सीएम माधुरी एक ओपन सेरेमनी कर रही होती है एक पुतले का जो कि उनके फादर का था। तो फिर वहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि गोलू दीदी बनारस पहुंच जाती है जेपी यादव के पास और वो उससे कहने लगती है कि क्या बात है यादव जी, हमेशा बिल में ही घुस के रहने का इरादा है क्या। उसके बाद गोलू दीदी ये कहती है कि पैसा वैसा तो ठीक है लेकिन असली मजा तो बाहुबल में है। फिर उसके बाद गोलू दीदी ये कहती है कि माधुरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसको अकेले नहीं तोड़ पाएंगे। और यहीं पर वो ये बात भी मेंशन करती है कि जहाँ पर आपकी पॉलिटिक्स भी फेल हो गई थी वहाँ हमने त्रिपाठियों को भी जड़ से उखाड़ फेंका था। और गोलू दीदी ये कहती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, गुड्डू पंडित जो कि फिलहाल जेल में है। खैर, तो यार सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है सीएम माधुरी ऑफिस। यार लेकिन मानना पड़ेगा डिम्पी को, उसने सारे सबूत लिए और फटाफट गई सीएम माधुरी के पास और सारे सबूत उसने सीएम माधुरी को दिखा दिया। वैसे तो यार ये सबूत इस बारे में था कि सीएम माधुरी के फादर जो कि उस टाइम के सीएम थे उसको किसने मारा। खैर, तो ये सारे सबूत सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे और वो था जौनपुर का किंग शरद शुक्ला, वही भोसड़ी का सीएम माधुरी के बाप को मारा था और वहीं पर बेचारी सीएम माधुरी उसी बहन के लड़े से इश्क फरमा रही थी। खैर, तो अनजाने में गलती तो हो ही गई थी उनसे। खैर, तो यार कहानी अब एक अलग ही रुख मोड़ रही थी। तभी हमें देखने को मिलता है शरद शुक्ला सीएम माधुरी के ऑफिस आते हैं और वहीं पर हमें ये पता चलता है कि सीएम माधुरी ने शरद शुक्ला को एक मौका दिया ताकि वो उसके पापा के मर्डर के बारे में उसे बता सके। और उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम बता भी दोगे तो हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा, यानी कि वो चाहती थी कि उन दोनों का रिश्ता बरकरार रहे। खैर, तो यही बात समझ नहीं पाए शरद शुक्ला और उन्होंने डायरेक्टली माधुरी से ये कहा कि कालीन भैया जिंदा हैं और सुरक्षित भी। ये बात सुनकर सीएम माधुरी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए।
गईं और उन्होंने ये कहा, और कुछ ऐसा जो तुम बताना चाहते हो? उन्होंने फिर से दूसरा मौका दिया शरद भैया को ताकि वो सच बता सकें, लेकिन उन्होंने ये सच नहीं बताया। फिर तभी सीएम माधुरी ये कहती है कि हमें कालीन भैया से मिलना है, आप प्रबंध कीजिए और हमें कुछ टाइम अकेला छोड़ दीजिए। फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये देखने को मिलता है कि सीएम माधुरी बीना त्रिपाठी के पास आई होती है कालीन भैया के बारे में बताने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो अलग ही बम फूट गया यार। एक बहन की लड़की बीना त्रिपाठी, इसने अलग ही बकचोदी बेल दी सीएम माधुरी के सामने। उसने कह दिया कि अब हम मिर्जापुर चलाना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी इसमें? और उसी टाइम पे वो ये भी कहती है कि अब तो और कोई बचा नहीं है हमारे खानदान में, तो हम अब अपने लिए और अपने मुन्ना के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसी पर सीएम माधुरी कहती है कि क्या पता कालीन भैया जिंदा हो, लेकिन यार बीना त्रिपाठी बड़े कॉन्फिडेंस में कह देती है कि कोई चांस नहीं है उनके बचने का। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है जेपी यादव और सोलंकी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि जेपी यादव हम तुम्हारा एम्बिशन लेके क्या करेंगे, मेजोरिटी तो अभी भी सीएम माधुरी के पास है और पैसे भी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जेपी यादव बाहुबल की बात कर रहे होते हैं। इसी पर सोलंकी कहता है कि अब कौन सा ऐसा बाहुबल बचा है जो आपकी मदद करेगा, तो इसी पर चाचा जी गोलू को सोलंकी से मिलवाते हैं और सारा प्लान समझाते हैं। फिर वहीं पर हमें देखने को मिलता है शरद शुक्ला और कालीन भैया। खैर तो यहाँ पर शरद शुक्ला काफी सारे बकचोदियाँ पीलता है कालीन भैया के सामने। फिर कालीन भैया भी समझ ही जाते हैं कि इस चूतिये को चाहिए क्या। उसके बाद कालीन भैया कहते हैं कि बुलाओ बैठक, जो हमने वादा किया था हम उसे जरूर निभाएंगे और हम अपने हाथों से तुम्हें गद्दी पर बिठाएंगे। इसी पर शरद गदगद हो जाता है और यहीं पर शरद कालीन भैया से ये कहता है कि कालीन भैया आप यहाँ पर हैं ये सीएम माधुरी को पता है। उसके बाद कालीन भैया तो चौंक ही जाते हैं। खैर तो ये सब बकचोदी करने के बाद उसके बाद कालीन भैया ये कहते हैं कि एक बार माधुरी पे ट्रस्ट करने का गलती कर चुके हैं हम ट्रस्ट करते हैं माधुरी पे। खैर तो यार अभी वो हम ट्रस्ट करते हैं माधुरी पे वाला सिस्टम हैंग होगा। फिर उसके बाद शरद शुक्ला रिक्वेस्ट करता है कालीन भैया से कि माधुरी मिलना चाहती है आपसे, एक बार मिल लीजिए हमारे लिए। उसके बाद चलता है एक काफिला सीएम माधुरी का, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि सीएम माधुरी और कालीन भैया की मीटिंग हो रही है एक पहाड़ी झरने के पास। फिर कालीन भैया सीएम माधुरी को ये बताते हैं कि हमने शरद शुक्ला को वचन दिया है कि हम ही उन्हें गद्दी पर बिठाएंगे। खैर तो यार यहाँ पर काफी सारी बकचोदियाँ होती हैं। उसके बाद सीएम माधुरी ये कहती है कि अगर आपको आपकी फैमिली और गुड्डू पंडित चाहिए तो हम जैसा कहें वैसा ही करना होगा। फिर इसके बाद शरद शुक्ला ने बैठक की बुलवा ही दी फाइनली, और जिस दिन का बेसब्री से था शरद शुक्ला को इंतजार वो दिन आ ही गई। और वहीं पर हमें ये देखने को मिलता है कि मुनावर चाचा मीटिंग होस्ट कर रहे थे। खैर तो अभी वो खुद ही रोस्ट होने वाले हैं। उसके बाद मीटिंग हो जाती है शुरू और सारे लोग बैठ जाते हैं। वहीं पर मुनव्वर मियां कहते हैं कि पूर्वांचल को खड़ा होने के लिए फिलहाल किसी सहारे की जरूरत है, और वो ये बात भी कह देते हैं कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक पूर्वांचल पश्चिम की हिफाजत में रहेगा। और उस पर ही मुनव्वर मियां एक और बम फोड़ देते हैं और उस पर वो ये कहते हैं कि पूर्वांचल के हर फैसले पर पश्चिम की मोहर लगना जरूरी है। कि वहीं पर शरद शुक्ला ने ये कहा कि मुनव्वर मियां जिस क्षेत्र में मेहमान बनकर आए थे उसका मालिक बनने का सपना आपने कैसे देख लिया। और वहीं पर शरद शुक्ला ये कहते हैं कि पूर्वांचल की जड़ें काफी मजबूत है, हमें किसी की छत्र छाया की जरूरत नहीं बल्कि आप लोग हमारे छत्र छाया में रहे हैं, भूल गए वो दिन। खैर तो उसके बाद एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार कालीन भैया की। वहीं पर कालीन भैया ये डायलॉग बोलते हुए एंट्री मारते हैं कि सावधान रहना चाहिए हमें, ये कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। और वहीं पर कालीन भैया पूछते हैं कि भूल तो नहीं गए हमें। ये तभी मुनव्वर मियां कहते हैं कि शुक्र है कालीन भैया जिंदा है, गद्दी की दावेदारी का किस्सा ही खत्म हुआ। वहीं पर मुनव्वर मियां कहते हैं कि गद्दी पर बैठिए और इसका मान बढ़ाइए और पूरे पूर्वांचल को कर लीजिए अपने कब्जे में, मतलब कंट्रोल में। उसके बाद कालीन भैया कहते हैं कि ये गद्दी ये परंपरा हमने और हमारे बाबूजी ने मिलकर बनाई थी, अन्यथा आप सभी का कोई अस्तित्व नहीं होता। कि तभी वहाँ पर कालीन भैया बहुत सारा ज्ञान पेलने लगते हैं गद्दी के बारे में, और उसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि शरद है अगला किंग ऑफ मिर्जापुर। लेकिन उसके बाद अफसोस के साथ वो ये भी कहते हैं कि हमें बेहद अफसोस है कि ये आखिरी भी हैं। और उसी वक्त गोली चल जाती है शरद शुक्ले पे, मतलब शुक्ला और उसका बाप दोनों ही ढेर हो गया बैंचो। उसके बाद कालीन भैया एक एक करके सबको निपटा देते हैं। और तभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस वाले वहाँ पर रेड मार देते हैं और वहीं पर आईजी दुबे आकर बाकी सारे बच्चे बाहुबलियों को ढेर कर देता है। माधुरी ने प्लान बड़ा गजब का बनाया था, एक तीर से सारे बाहुबली ढेर। जिसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि शरद शुक्ला अधमरी हालत में भी उठ जाते हैं और किसी तरह अपने आप को घसीट घसीट कर गद्दी के पास ले जाते हैं। ये तभी वहाँ पर कालीन भैया उनकी मदद करके उनको गद्दी पर बिठा देते हैं और शायद वो अपनी आखिरी सांस गद्दी पर ही लेते हैं।
हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बीना त्रिपाठी जो कि सीएम माधुरी के गाड़ी से बैठकर कहीं जा रही होती है। ये तभी वहाँ पर गाड़ी रुकती है काफी सारे गाड़ियों के पास और बीना त्रिपाठी घबरा कर सीएम माधुरी के सेक्रेटरी से पूछती है कि ये हम कहाँ आ गए। कि तभी उनके सेक्रेटरी उनको ये बताते हैं कि घबराइए मत, कोई आपसे मिलना चाहता है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि बीना त्रिपाठी जैसे ही गाड़ी से उतरती है उन्हें कालीन भैया मिल जाते हैं यानी कि उनके हस्बैंड, और वो अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। खैर तो यार यहाँ पे हमें बीना त्रिपाठी अपने कालीन भैया से मिलकर ज्यादा खुश लग नहीं रही थी। फिर तभी वहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और कालीन भैया जेल में आते हैं और वो डायरेक्ट गुड्डू भैया के शेल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर गुड्डू भैया होते ही नहीं है, वो कोई बहरूपिया था जो उनके बदले वहाँ पर सो रहा था। खैर तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि गुड्डू भैया गोलू दीदी से मिलते हैं एक बोट पर। बाकी फिर क्या था यार, दोनों आशिक मिल ही गए आखिर में। वैसे यहाँ पर एपिसोड के खत्म होने से पहले गोलू दीदी और गुड्डू भैया का एक जोरदार चुम्मा चाटी वाला सीन भी दिखाया जाता है। खैर तो यार आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी यार मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।